Morning children, today we will discuss the chapter Black Aeroplane, Kala Hawaii Jahaj. The author says that he was flying in an aeroplane at 1 o'clock at night. लेखक कहता है कि जो है वो एक जहाज उड़ा रहा था करीब 1 बजे रात में. The moon was coming up in the east behind him. और जो चंद्रमा है वो ईस्ट से उसके पीछे ऊपर की तरफ आ रहा था. Stars were shining. तारे चमक रहे थे in the clean, clear sky. साफ आसमान में. Above him, उसके ऊपर. He was flying his old Dakota aeroplane. वह अपना पुराना Dakota हवाई जहाज उड़ा रहा था over France. France के ऊपर से. Back to England, वापस England को. He was dreaming of his holiday. वो सपने देख रहा था अपने छुट्टी के. He was looking forward to being with his family. वो आगे अपने परिवार के साथ होने के लिए सोच रहा था. परिवार के साथ होने के लिए सोच रहा था. He decided to call Paris control room. उसने निश्चय किया कि वो पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल करेगा. He then radio to it. और फिर उसने रेडियो से संपर्क बांधने की कोशिश करी पेरिस कंट्रोल रूम को. He told it that, और उसने बताया उनको that कि he was on his way to England, कि वो अपने रास्ते में है और इंग्लैंड जा रहा है. He duly turned to that direction, और पूर्ण रूप से वो उस दिशा की ओर मुड़ गया. पेरिस कंट्रोल duly acknowledged, और पेरिस कंट्रोल रूम ने संपूर्ण रूप से इसको संज्ञान लिया. It advised him to turn 12 degree west, और इस कंट्रोल रूम ने उसको सलाह दी कि वो 12 degree जो है west की तरफ आगे बढ़े. He duly turned to that direction, और पूर्ण रूप से मतलब उसने सही तरीके से उनके दिशा निर्देशों का ध्यान रखते हुए उस दिशा को Dakota बढ़ा दिया. Everything was going well. सब कुछ सही चल रहा था. Paris was about 150 kilometer behind him. अब जो Paris है वो 150 kilometer पीछे छूट गया था उससे. Then he saw the storm mountains in front of him. फिर उसने देखा कि एक तूफानी पर्वत वाला या आप कह सकते हो बादलों वाला जो है इन उसके सामने था. यानी कि बादलों से भरा हुआ एक तूफान पर्वतों जैसा उसके सामने था. He knew he could not fly up and over them. वो जानता था कि वो इसके ऊपर से या इसके इधर से या अंदर से नहीं जा सकता था. He decided to go back to Paris. उसने निश्चय किया कि वो पेरिस वापस जाएगा. But he also wanted to get home. लेकिन वो अपने घर भी पहुंचना चाहता था. So he took the risk and flew into the storm. तो उसने रिस्क लिया और उस तूफान में वो घुस गया. He could see nothing outside of his aeroplane. वो अपने एरोप्लेन से बाहर कुछ नहीं देख सकता था. Everything was black. सब कुछ काला था. The old aeroplane jumped and twisted. उसका जो एरोप्लेन था वो जंप कूदने लग गया और ट्विस्ट वो हल्की सी मूवमेंट दिखाने लग गया. इन द एयर हवा में. ही लुक्ड एट द कंपास. उसने कंपास की तरफ देखा. इट वॉज गॉन. ये भी चला गया था. यानी कि ये भी नहीं चल रहा था. इट ट्राइड टू कॉन्टेक्ट पेरिस कंट्रोल रूम. उसने कोशिश की पेरिस कंट्रोल रूम को कॉन्टेक्ट करने की. ही वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. वह तूफान में पूरा खो गया था या फंस गया था. Then in the black clouds, फिर काले बादलों में ही saw another aeroplane. उसने देखा कि एक दूसरा हवाई जहाज है. It had no lights on its wings. इसकी अपनी पंखों पर कोई उजाला नहीं था. लाइट नहीं था. He could see it flying next to him. वो देख सकता था कि बिल्कुल बगल में उसके उड़ रहा होता है. In the storm, तूफान में. He was glad to see another person. वो खुश था दूसरे व्यक्ति को देख करके. He was signaling to follow him. वो उसको इशारा कर रहा था कि वो उसका पीछा करे. The author thought he was trying to help him. लेखक को लगा कि वो जो दूसरा व्यक्ति है उस एरोप्लेन में उसकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है. So he followed him. तो उसने उसका पीछा किया. He flew for half an hour. वो करीब आधे घंटे उसके पीछे पीछे चला. He had fuel to last for 5 or 10 minutes. अब उसके पास जो ईंधन बचा हुआ था सिर्फ 5 या 10 मिनट के लिए बचा हुआ था. He began to feel frightened. उसको थोड़ा सा डर लगना महसूस हुआ. Then he started to go down. फिर वो नीचे की तरफ बढ़ा. Suddenly he was on the runway. अचानक वो रनवे पे पहुंच गया. रनवे वो स्थान होता है जहाँ पे प्लेन्स जो हमारे हवाई जहाज होते हैं उनको उड़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है या उनको बिठाने के लिए प्रयोग किया जाता है. He looked for his friend. उसने अपने दोस्त को देखने की कोशिश करी. द ब्लैक एरोप्लेन उस काले जहाज में.
ही वांटेड टू थैंक यू, वो उसको धन्यवाद देना चाहता था, बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान पूरा साफ था. ही वेंट टू कंट्रोल रूम, वो कंट्रोल रूम में गया. ही आस्क्ड अ वुमन वेयर ही वॉज, उसने उस औरत से पूछा कि वो कहाँ है. शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उस मतलब उसने उस औरत से पूछा कि वो जो उस ब्लैक एरोप्लेन में व्यक्ति है वो कहाँ है. तो शी लुक्ड एट हिम स्ट्रेंजली, उसने उसकी तरफ बड़े अजीब ढंग से देखा. एंड देन शी लाफ्ड, फिर वो हंस गई. शी टोल्ड दैट देयर वॉज नो अदर एरोप्लेन एक्सेप्ट दैट ऑफ ही, वो उसके कहती है कि वहाँ पे कोई दूसरा एरोप्लेन तो था ही नहीं सिर्फ उसके एरोप्लेन के अलावा. ऑथर वॉज ऑनेस्ट, बिल्कुल आश्चर्य में पड़ गया. और लिखा He wondered who had helped him to arrive there. उसने विचार किया कि फिर उसकी सहायता किसने करी वहाँ पहुँचने में. He was without any more fuel in his tanks. और उसके टैंक्स में और अधिक जो है ईंधन भी नहीं था. Who was the pilot on that strange black aeroplane? कौन था वो pilot? उस अजनबी काले एरोप्लेन में flying in the storm without lights, जो उड़ रहा था उस तूफान में बिना उजाले के, बिना लाइट्स के. So I hope you must have understood the story. Thank you so much.